नमस्कार दोस्तों, ग्लोरियस कोचिंग सीकर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी जो पहले जो बात चल रही थी वो प्रश्ना उत्तरी के बारे में बातें कर रहा था, और दोस्तों ये प्रश्ना उत्तरी है, ये उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में बातें चल रही हैं जो पहले की जो कंपटीशन की जो भी एग्जाम लगी है उन्हीं उनमें जो बार बार जो प्रश्न आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, तो उन प्रश्नोत्तरी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और फटाफट सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राम राम। फटाफट हाँ फटाफट जुड़ो दोस्तों और कक्षा को शेयर करो। देखो पहले सबसे पहले प्रश्न नंबर एक के बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है वो देखना। प्रश्न नंबर एक ये कह रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, इसका सही आंसर क्या होगा? देखो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो तीन नंबर होगा। कितना नंबर होगा? तीन नंबर। क्यों होगा? तो मेरे दोस्तों इसके बारे में क्या कहा जाता है वो सुनो दोस्तों। 24 मार्च 1946 को एक मिशन का भारत आगमन हुआ था, और वो कौन सी मिशन थी? तो कैबिनेट मिशन थी। उस कैबिनेट मिशन में तीन व्यक्ति आए थे, एक का नाम पेंथिक लॉरेंस था, एक का नाम कहते हैं कि एवी अलेक्जेंडर था, और एक का नाम सारी स्टेफर्ड क्रिप्स था। ये तीनों व्यक्तियों का कहते हैं कि आगमन हुआ, और इस आगमन के बाद में 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपने सुझाव दिए थे दोस्तों। उन सुझावों में ये कहा था कि संविधान में सदस्य तो आएंगे लेकिन प्रांतों से आएंगे। कहां से आएंगे? प्रांतों से, यानी राज्यों को प्रांत कहा जाता है, और 11 प्रांतों से संविधान में सदस्य आए। वो कितने आए? 292 आए। उन्होंने कहा कि प्रांतों से सदस्य तो आएंगे लेकिन वहां की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा कितने लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर मेरे दोस्तों एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर, और पहले प्रांतों को श्रेणियों में बांटा गया था, ए श्रेणी के प्रांत, बी श्रेणी के प्रांत, और मेरे दोस्तों सी श्रेणी के प्रांत। ए श्रेणी के प्रांत, बी श्रेणी के प्रांत और सी श्रेणी के प्रांत। इस श्रेणी के प्रांत में बात करें तो यूपी से संविधान में सदस्य तो आए लेकिन 55 आए थे। इसको यूपी को पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि यूपी से ही नहीं बल्कि दोस्तों मद्रास से संविधान में सदस्य तो आए लेकिन 49 आए, बंबई से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन बंबई से कितने आए? 21 आए। अरे बिहार से संविधान में सदस्य तो आए लेकिन कितने आए? 36 आए। नेक्स्ट बर्मा बरार से संविधान में सदस्य तो आए थे दोस्तों लेकिन बर्मा बरार से कितने सदस्य आए रे? 17 आए रे। उड़ीसा से संविधान में सदस्य तो आए मेरे दोस्तों लेकिन कितने आए? 9 आए। उसके बाद में 20 श्रेणी के प्रांत, 20 श्रेणी के प्रांत में मेरे दोस्तों जो नाम आता है वो पंजाब का, और पंजाब से संविधान में सदस्य आए थे वो 28, और सिंध प्रांत से, कौन से प्रांत से? सिंध प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन मेरे दोस्तों कितने आए? 4 आए। जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से संविधान में सदस्य तो आए थे लेकिन कितने आए? 3 आए। उसके बाद में नेक्स्ट सी श्रेणी के प्रांत के बारे में बात करें तो पश्चिमी बंगाल से, कहां से? पश्चिमी बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से संविधान में 60 सदस्य आए थे, जबकि असम से संविधान में कितने सदस्य आए थे? 10 सदस्य आए थे। इस प्रकार से कहते हैं कि 11 प्रांतों से संविधान में कितने सदस्य आए थे मेरे दोस्तों? 292 सदस्य आए थे। नेक्स्ट कहते हैं कि देसी रियासतों से संविधान में सदस्य आए लेकिन 93 आए थे, और चीफ कमिश्नरी से संविधान में सदस्य आए थे लेकिन 4 आए थे, क्योंकि इसी कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि दोस्तों देसी रियासत उसी सदस्य आएंगे लेकिन शासकों के द्वारा क्या होकर आएंगे? मनोनीत होकर आएंगे, और 4 सदस्य आएंगे मेरे दोस्तों लेकिन कहां से आएंगे? चीफ कमिश्नरी से आएंगे। 4 चीफ कमिश्नरी बताते हैं ABCD। ए का मतलब होता है लेकिन अजमेर का मेरवाड़ा होता है रे, बी का मतलब बलूचिस्तान होता है, जबकि सी का मतलब कुरुक होता है, जबकि डी का मतलब क्या होता है? दिल्ली। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यह प्रश्न आया था यूपीएससी 2003 में। देखो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है भैया, 1861
1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों दो नंबर होगा। क्या होगा? दो नंबर। क्यों? क्योंकि 1861 में दोस्तों 1858 में ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया ने यूं कहा था कि साहब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल के पद को हटाकर वाइसराय का पद सर्जित किया गया था और वाइसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को। इस लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार कहते हैं कि दोस्तों तीन प्रांतों में, अरे कितने प्रांतों में? तीन प्रांतों में मेरे दोस्तों विधान परिषद का गठन किया था इस अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत है? 1861 के अधिनियम के तहत विधान परिषद का गठन किया था और वो कितने प्रांतों में? तीन प्रांतों में। नंबर एक पश्चिमी बंगाल का नाम आता है और नंबर दो पंजाब का नाम आता है और नंबर तीन मेरे दोस्तों उत्तरी पश्चिमी प्रांत का नाम आता है, सीमा प्रांत का नाम आता है। इन तीन प्रांतों में विधान परिषद का क्या किया गया था? गठन किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि 1892 का जो अधिनियम था इसके तहत क्या किया गया? तो सबसे पहले तो जो बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी और कहते हैं कि दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की, कौन सी पद्धति की? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से मेरे दोस्तों क्या आंशिक, क्या आंशिक कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। संसदीय व्यवस्था आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। 1909 का जो प्रशासन अधिनियम है इसको बोलते थे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों इसी के तहत जो मुस्लिम वर्ग है उनको कहते हैं कि साहब अलग से प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था और दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में इसी अधिनियम के तहत प्रथम व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद में 1919 का जो अधिनियम है वो पिछली क्लास में यानी पिछली कक्षा में जो हमारी बातें चल रही थी उस दौरान मैंने 1919 का पूरा अधिनियम बताया है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प है, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित कर लिए जाए। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए या फिर राज्यसभा के उपस्थित है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित वह मत देने वाले सदस्यों के कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित कर लिया जाए। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करना। देखो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चार नंबर। दोस्तों एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 249, आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा आता है? 249 आता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल 249। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि राज्य सूची है, राज्य सूची है, इन इस राज्य सूची के, कौन सी सूची? राज्य सूची मेरे दोस्तों। इस राज्य सूची के किसी भी विषय पर कौन कानून बना सकती है? तो संसद कानून बना सकती है। कौन कानून बना सकती है? संसद कानून बना सकती है लेकिन उस राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित होना अति आवश्यक है। एक आर्टिकल और आता है मेरे दोस्तों, आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या कहता है? वो ये कहता है कि साहब जैसे ही राष्ट्रीय आपात लगता है देश में, क्या लगता है? राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? जब मार काट मार घोड़ा तो बतली और खून खराबा होगा यानी तीन स्थितियों में लगता है, युद्ध की संभावना हो, बाह्य आक्रमण हो और सशस्त्र विद्रोह हो। इन तीनों दशाओं में कहते हैं कि साहब इन तीनों दशाओं में केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा आपात लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अब देखो दोस्तों राष्ट्रीय आपात जैसे ही लगा
उस दौरान कहते हैं कि जो राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसके अधीन चली जाती हैं, राष्ट्रपति के अधीन चली जाती है। तो आर्टिकल 250 क्या कहता है, वो ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान भी, आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आपात के दौरान भी राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन वह कानून जैसे ही राष्ट्रीय आपात है ये समाप्त हुआ, इसके कितने माह तक, 6 माह तक ही क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे, क्या रहेंगे, प्रभावी रहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के 70 शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, इसका सही आंसर क्या होगा, 1 माह, 6 माह, 8 माह, 6 माह, इसका सही आंसर क्या होगा, देखो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या, वो देखो इसका सही आंसर होगा 6 सप्ताह। क्यों, कैसे दोस्तों, जो वाइसराय है आपातकालीन जो स्थिति है, कौन सी स्थिति है, आपातकालीन स्थिति है, इस आपातकालीन स्थिति के दौरान वाइसराय भी क्या जारी करता था, अध्यादेश जारी करता था, क्या जारी करता था, अध्यादेश जारी करता था। और ये मैं नहीं कहता मेरे दोस्तों, बल्कि एक अधिनियम कहता है, और वो कौन सा अधिनियम कहता है, 1861 का अधिनियम कहता है मेरे दोस्तों, ये बात अब सुनो। एक आर्टिकल आता है 1, 2, 3, 4 बाबा तेरी जय जयकार, आर्टिकल 123 आता है, 123 में ये क्या लिखा हुआ है, जब मेरे दोस्तों संसद है, इस संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा, इसका मतलब संसद में क्या चलते हैं मेरे दोस्तों, सत्र चलते हैं, 70 + 1 चलता है वो बजट सत्र चलता है, 1 चलता है वो मानसून सत्र चलता है मेरे दोस्तों, मानसून, और 1 चलता है मेरे दोस्तों वो शीतकालीन सत्र चलता है, कौन सा, शीतकालीन सत्र। अब ये बजट सत्र चलता है ना, तो गांवों में तो कहते हैं कि इसको सुनते हैं, लेकिन एफएम में, किसमें सुनते हैं, एफएम में, क्योंकि कहते हैं कि एफ का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, फरवरी होता है, और एम का मतलब मार्च नहीं मई होता है, मानसून सत्र जब चलता है यानी जब बारिश आती है, और गांवों में जब लोग हैं वो बारिश के मजे लेते हैं, तो उनके जो सिर हैं, उन सिरों की, सिर के जो बाल हैं, उन बालों में मोटी मोटी जुएं पड़ जाती हैं, यानी कहने का मतलब सिर में जू, कहने का मतलब मेरे दोस्तों ये जुलाई से प्रारंभ होता है और ये सितंबर तक चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट शीतकालीन सत्र नवंबर से लेके क्या चलता है, दिसंबर तक, जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, पहली बात, दूसरी बात, जब संसद का कोई एक सदन क्या गया हुआ है, छुट्टी पर गया हुआ है, अवकाश पर गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, और इस अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति करेगा क्या भैया, तो इस अध्यादेश के माध्यम से मेरे दोस्तों राष्ट्रपति कानून का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ हुआ या जो भी सदन अवकाश पर गया हुआ था वो वापस आया, तो वह आने के कितने, 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों की स्वीकृति मिलना अति आवश्यक है, अन्यथा नहीं मिली स्वीकृति तो वह कानून वही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई जो अध्यादेश शक्ति है उसको वापस लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश है इसका क्या न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे दोस्तों। और कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, उसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी जो संसदीय समिति है वो कौन सी है, तो मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा, क्या होगा, 2 नंबर दोस्तों, ये प्राकलन समिति है। इस प्राकलन समिति के बारे में यूं कहा जाता है कि 1950 की बात है, और 1950 में कहते हैं कि मेरे दोस्तों जॉन मथाई है, जॉन मथाई थे वो 1950 में वित्त मंत्री बने थे दोस्तों, जॉन मथाई ने इस प्राकलन समिति की क्या की थी, सिफारिश की थी, इसीलिए इसका गठन हुआ दोस्तों। पहले ये समिति थी लेकिन इसको अस्थाई वित्तीय समिति के रूप में थी, ये अस्थाई वित्तीय समिति, और अस्थाई जो वित्तीय समिति है इस समिति का मेरे दोस्तों गठन हुआ था, लेकिन 1921 में हुआ था, कब हुआ था, 1921 में।
1921 में हुआ था, 1921 में, 1921 में हुआ था। अब सुनो, इसीलिए दोस्तों इस प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति की क्या कही कहा जाता है, जुड़वा बहिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहिन। प्राकलन जो समिति होती है इसमें केवल टू केवल ये लोकसभा की स्थायी समिति है। लोकसभा के इसमें प्रारंभ में सदस्य थे वो 25 थे। कितने थे? 25। लेकिन 1956 में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 30 सदस्य। नेक्स्ट, इन्हीं ये 30 सदस्य होंगे कौन? तो लोकसभा में जो सदस्य आते हैं उन्हीं लोकसभा के सदस्यों में से 30 सदस्यों का चुनाव होगा। चुनने का कार्य कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और उन्हीं 30 सदस्यों में से एक को क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सदस्य और अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? तो एक वर्ष का होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि इसका कार्य क्या है? तो जो बजट है उन बजट से संबंधित जो बजट है इस बजट से संबंधित जो आंकड़े होते हैं क्या होते हैं? आंकड़े। जो अनुमान होते हैं क्या होते हैं? अनुमान। इन अनुमानों की क्या करना? जांच करना। इन अनुमानों की मेरे दोस्तों क्या करना? जांच करना। ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट, वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष तो है लेकिन है कौन है? तो बापट श्री गिरीश जी हैं, गिरीश ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्तों। भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद कैसे बनती है? केवल लोकसभा से, लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। दोस्तों एक आर्टिकल आता है, कौन सा आता है? 79। आर्टिकल 79 क्या कहता है? वो ये कहता है कि साहब संघ की एक संसद होगी, संघ की एक क्या होगी? संसद होगी, और उस संसद का जो निर्माण है वो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होगा। और दोस्तों संसद है, इस संसद के जो भाग होते हैं वो दो ही होते हैं, एक का नाम लोकसभा और एक का नाम क्या है? राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। जबकि ये जो राष्ट्रपति होता है मेरे दोस्तों ये संसद का कैसा अंग है? अभिन्न अंग है। कैसा अंग है मेरे दोस्तों? अभिन्न अंग है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो 6 है ये भी आपको मेरे दोस्तों समझ में आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, ये प्रश्न आया था आईएएस 2009 में, मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है और मेरे दोस्तों नियुक्त किया जाता है। पहली बात, नियुक्त होता है ये होता कौन है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। मेरे दोस्तों जो जितने भी सदस्य आए निर्वाचित होके उनमें सबसे बड़े जो दल का जो नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त करने का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी निर्वाचन हुआ जनता के माध्यम से, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो सबसे बड़े जो दल का नेता होता है उसको नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में। यह बात समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया? निर्वाचन जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन दो प्रकार से होता है, चयनित। चयन क्या? जितने भी सदस्य निर्वाचित होकर आए उनमें से किसी एक का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। मनोनीत एक आर्टिकल आता है मेरे दोस्तों, और चयनित कौन होता है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। निर्वाचित कौन होते हैं? तो सांसद हैं। सांसद काय के सांसद? तो लोकसभा के सांसद। बिल्कुल लोकसभा के सांसद। कितने लोकसभा के सांसद निर्वाचित होते हैं? तो मेरे दोस्तों 543 होते हैं। राज्यसभा के सांसद भी निर्वाचित होते हैं क्या? तो राज्यसभा के सांसद भी निर्वाचित होते हैं, लेकिन ये होते हैं ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और ये 233 सदस्य होते हैं, ये निर्वाचन होता है, लेकिन कैसे होता है इनका निर्वाचन? प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों मनोनीत। मनोनीत भी कहते हैं कि साहब एक आर्टिकल आता है, और आर्टिकल कौन सा आता है? 83। आर्टिकल 83 क्या कहता है कि साहब जो राष्ट्रपति हैं ये राष्ट्रपति हैं, ये राज्यसभा में, कौन सी सभा में? राज्यसभा में कितने सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है, यानी मनोनीत करता है।
और ये मनोनयन की प्रक्रिया है, ये मेरे दोस्तों किस देश की देन है, तो आयरलैंड की देन है। किस देश की देन है? आयरलैंड की देन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। देखो मेरे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से सबसे कम होते हैं। अब होते कैसे हैं वो देखो। सबसे पहले राज्यसभा की जो सीट हैं उनमें कोई आरक्षण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सर्वाधिक जो सीटें हैं वो यूपी से हैं, और यूपी से कितनी हैं? 31 हैं। जबकि महाराष्ट्र से मेरे दोस्तों सीटें तो हैं लेकिन कितनी हैं? 19 हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन कितनी हैं? तो 11 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट तेलंगाना से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन तेलंगाना से कितनी सीटें हैं? तो 7 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट तमिलनाडु से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन तमिलनाडु से कितनी सीटें हैं? 18 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बिहार और पश्चिमी बंगाल से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन कितनी कितनी हैं? तो 16 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों कर्नाटक से सीटें तो हैं लेकिन कर्नाटक से कितनी सीटें हैं? 12 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीटें तो हैं लेकिन कितनी हैं? तो 11 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट गुजरात से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन कितने हैं? 11 हैं। राजस्थान से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन कितनी हैं? 10 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट उड़ीसा से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन कितनी हैं? 10 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि केरल से सीटें तो हैं लेकिन कितनी हैं? 9 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट असम और पंजाब से मेरे दोस्तों सीटें तो हैं राज्यसभा की लेकिन कितनी कितनी हैं? 7 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट झारखंड से सीटें तो हैं लेकिन कितनी हैं? तो 6 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट छत्तीसगढ़ और हरियाणा से मेरे दोस्तों सीटें तो हैं लेकिन कितनी कितनी हैं? तो कहते हैं कि साहब कितनी कितनी हैं? तो 5 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जम्मू कश्मीर से सीटें तो हैं मेरे दोस्तों लेकिन कितनी हैं? तो 4 हैं। अरे कितनी हैं? 4 हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश से सीटें तो हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं मेरे।